जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ बात की। मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयानों से लग रहा था कि दिल्ली में बेशक हाथ मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले। बैठक में ये भी साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर में तुष्टिकरण, ब्लैकमेल और अलगाववाद के नाम पर तथा कथित मुख्यधारा की सियासत के लिए अब जगह नहीं बची है। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया तेज होने के साथ विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपनी कमर कसते हुए नजर आएंगे। इनमें वो भी होंगे जो कल तक कहते थे कि 370 की बहाली तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों की तो उसमें फर्क जरूर नजर आ रहा था। गुपकार अलायंस का हिस्सा बनी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान का एक बार फिर से नाम लिया, पर गुपकार अलायंस में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को तस्वीर में लाना नहीं चाहते, हम इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे। दोनों के बयानों से गुपकार में शामिल पार्टियों के आपसी मतभेद सामने आ गए। इसके अलावा पहले से ही अलायंस 6 से 5 पार्टियों का हो चुका है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन पहले ही इससे अलग हो चुके हैं, जिन्होंने बैठक के बाद कहा था कि हम सकारात्मकता के साथ बैठक से बाहर आए हैं। बयानों से साफ जाहिर है कि गुपकार में शामिल दलों को अब एक साथ लेकर चलना मुश्किल ही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में शुरू हुई नई सियासी प्रक्रिया में पाक परिस्थिति का नारा लगाने वालों को महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान धारा 370 को बहाल करने पर महबूबा मुफ्ती का समर्थन नहीं करने के लिए पीडीपी नेशनल कांग्रेस से नाखुश है। बताया जा रहा है कि पीडीपी को लगता है कि जब मुफ्ती ने बैठक में धारा 370 का मुद्दा लाया तो नेशनल कांग्रेस ने बैठक में गुपकार गठबंधन को नीचा दिखा दिया। पीडीपी को कथित तौर पर नेशनल कांग्रेस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला से बैठक में धारा 370 की बहाली का मुद्दा उठाने की उम्मीद थी, क्योंकि ये सभी कश्मीरी पार्टियों का एक साझा एजेंडा था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने तो पहले ही इस बात से इनकार कर दिया था कि वो इन सारे मुद्दों से परे हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान परस्त वाले बयान पर जम्मू की जनता लगातार गुस्से में है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आए दिन मांग की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया जाए। महबूबा मुफ्ती और बाकी नेता जो पाकिस्तान की बोली बोलने का प्रयास करना चाहते हैं उनको लेकर के है, और आज स्पष्ट कर दिया गया पाकिस्तान की बोली जो बोलेगा उसकी सिक्योरिटी वापस लो, उस पर FIR दर्ज करो, उसको घर दिया, आराम दिया। जो देश की सुरक्षा पाकिस्तान से लड़कर के शहीद हो रही है और तुम उन लोगों को सिक्योर कर रहे हो जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा पकड़ करके हमने ये कहने का प्रयास करा है, प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है, ऐसे लोग जो सर्वदलीय बैठक के अंदर तो कुछ और कह रहे थे लेकिन बाहर आकर के कह रहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं पाकिस्तान पार्टी है, इस तरह की बातें कह के पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को समाप्त करने का प्रयास करना चाहती हैं। और अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि महबूबा मुफ्ती को दी गई सिक्योरिटी भी छीन लेनी चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती आखिर कब तक पाकिस्तान के सहारे ऐसे ही सुर्खियों में रहेगी। लेकिन अब तो ये पक्का हो चुका है कि जल्द ही गुपकार गैंग टूट जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।